तो हम लोग फोर्थ चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। इसमें ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पहले रिकॉल करते हैं, जो पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। हाउ डू वी डिसाइड द गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज अन इंसुलेटर? तो बहुत आसान है, कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर है तो एकदम ईजी है। अगर कोई मेटल है, मान लो तुम्हारे पास आयरन है ना, कोबर निकल है, ये सारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल के अंदर अच्छी कंडक्टिविटी होती है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बरूबर। एक इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जो बैड कंडक्टर हो, जिसमें से करंट फ्लो ना हो। एक अच्छी एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, वाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक? बोलते जो आयरन होता है, उस आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है ना, क्योंकि ये एक मेटल है। पर जब ये आयरन जमीन पर रखा हो और मान लो गलती से मेरा पैर इस पर आ गया, तो मुझे शॉक क्यों नहीं लगता है? तो एकदम आसान है। देखो, किसी भी मटेरियल में से करंट कब पास होगा? जब वो जो मटेरियल है वो किसी मीडियम से जुड़ा हो। मान लो अगर वोल्टेज 40 वोल्ट से अगर वो मटेरियल जुड़ा हो, तभी तो उसके अंदर से करंट पास होगा। अगर आयरन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसमें से शॉक कैसे आएगा? शॉक आने के लिए जरूरी है कि वो मटेरियल करंट से जुड़ा हो, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ पर्टिकुलर बैटरी से जुड़ा हो और उससे वोल्टेज दें, और उस वोल्टेज से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी शॉक लगेगा। समझ में आ रहा? वी हैव लर्न अर्लियर स्टैंडर्ड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। हम लोग ने घर पे भी किया है। क्या करते हैं हम लोग के जो बाल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंघे को, जो कॉम होता है उसको रगड़ने का, रगड़ने पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेने का, उसके करीब जैसे लेके जाओगे इसको, तो क्या ऑब्जर्व किया तुम लोग ने? वो सारे जो छोटे कागज है वो चिपक जाते हैं, बरूबर, कॉम पे आके चिपक जाएंगे। तो इस तरह के बिहेवियर को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये क्या करती है, पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बरोबर। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वी परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें चार्जेस की भी स्टडी की है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। द रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है? तो बहुत आसान है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप बैटरी लगा रहे हो या पावर सप्लाई आप सप्लाई कर रहे हो, तो कौन से वायर का हिस्सा उस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड और कौन सा हिस्सा उसके नेगेटिव साइड से कनेक्टेड, उस हिसाब से उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होंगे। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी आती है तो चार्ज की भी स्टडी आती है, क्योंकि करंट के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है, ये पढ़ा है कि नहीं चिराग? और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उल्टा फ्लो होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ से फ्लो होते हैं और पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये याद रखो, हमेशा जो करंट के चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से उल्टा फ्लो होते हैं। इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। हम इस चैप्टर में करंट के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे, हम वायर के बारे में स्टडी करेंगे, कौन से वायर कंडक्टिंग करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, और जब करंट कोई वायर से गुजरता है तो उसको क्या क्या रुकावट आती है, रुकावट को यहाँ पे क्या वर्ड इससे रिप्रेजेंट किया, रेजिस्टर। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करते हैं जब उन पे करंट पास करते हैं, तो उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करें। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर? तो इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है, टीवी दिख रही है और यहाँ पर एक स्टीमर है जो कनेक्ट है जिससे आग जल रही है, एक बल्ब है जो इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है ना, बल्ब चालू करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर फैन दिखाई दे रहा है, फैन, इधर पे कुछ कॉइल जैसी चीज दिखाई, ये यहाँ पे घंटी, बेल, रिंग दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पे कनेक्शन में कोई 20 to 16 वोल्टेज डीसी दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर तो सब एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे सब एनर्जी सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, और ये एनर्जी सोर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब ले रहे एक ही चीज टाइप की इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट से एक ही टाइप की इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, पर वो अलग अलग उस करंट को लेकर अलग अलग वर्क कर रहे हैं। जैसे इस करंट के जरिए मैं टीवी को चालू करके मैं चीजें देख रहा हूँ, यहाँ से करंट के जरिए मैं चीजों को जला रहा हूँ, यहाँ से करंट लेने के जरिए मैं बल्ब को ग्लो कर रहा हूँ, यहाँ से करंट लेने पर मैं पंखे को मूव करवा रहा हूँ। यानी यहाँ पर एक ही टाइप की इलेक्ट्रिक करंट, पर वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अलग अलग मीडियम में, अलग अलग वर्क कर रही है ना। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या लिखा है कि कनेक्ट द सर्किट, देखो नीचे एक सर्किट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये है हमारा बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो जाहिर बात है करंट ऑलवेज पॉजिटिव से फ्लो होगा। करंट को हम लोग आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर मैंने स्विच लग बना दी है, ताकि मतलब बैटरी से कनेक्ट है तो कब ऑन कब ऑफ करना है वो करना पड़ेगा ना, वरना करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। अब जाहिर बात है वायर के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, ये जो है ना रेजिस्टेंस है, तो तुमने देखा होगा जब गाड़ी या बाइक हम लोग चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं रोड पे, तो रोड पे ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, ये क्यों बनाते, ताकि साइकिल की स्पीड स्लो हो जाए, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे वायर के अंदर भी इस तरह का रेजिस्टर होता है, ये क्या करता है करंट की फ्लो की स्पीड को, जो स्पीड होती है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगाया, इसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम करंट की स्पीड को कैलकुलेट करना होता है, कि कितनी तेजी से इस वायर, ये सब लाइन जो है ना, ये लाइन वायर को रिप्रेजेंट करती है, इस वायर लाइन में से, इस वायर में से कितनी तेजी से करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, ए से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अब मैंने इस रेजिस्टर के बीच में वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज क्या काम कर रहा है कि यहाँ जो रुकावट है वो रुकावट से इसके करंट के जो वोल्टेज है उसमें कितना फर्क आ रहा है, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है कि चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव तक, मतलब यहाँ इस डिस्टेंस को कवर करने पे उस चार्ज में कितना बदलाव आ रहा है, कितनी कमी आ रही, कितना बढ़ोतरी आ रही, वो सब बता रहा है। समझ में आया। तो हम लोग ने सारे सिंबल की बस स्टडी कर ली है यहाँ पर, ठीक है। इफ चार्ज क्यू फ्लो, आप यहाँ पर कोई वही चीज लिखिए, अगर कोई चार्ज, चार्ज को हम लोग ने क्या वर्ड दिया है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो कहाँ से हो रहा है, ए से बी की तरफ अगर फ्लो हो, तो यहाँ पर ए से बी तक चार्ज का फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये फोर्स लगाने पर वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जब फोर्स लगाने पर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यानी वो चार्ज क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, बरोबर। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल वी ए बी, जो चार्ज है ए से बी तक जाने के लिए जो वर्क कर रहा है, राइट, और ये वर्क किसके बेस पर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बेस पर हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। द सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चार्ज को पुल कर रही है, पूरे सर्किट में घुमा रही है, वो क्या है, बैटरी है। बैटरी की मदद से, सेल की मदद से ही तो वो चार्ज फ्लो कर पा रहा है। नहीं, बैटरी के अंदर ऐसी कोई चीज है जो चार्ज को पुश या पुल कर रही है, बरोबर। अब इतनी ज्यादा वो पुशिंग कर रही है कि चार्ज रुकावट के, रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी वो चार्ज का ए से पॉइंट बी तक फ्लो कर रहा है। इफ द चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, तो मान लेते एक चार्ज वो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम टी में, तो उसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वर्क वो किस पे निर्भर करेगा, तो यहाँ पे वर्क दो चीज पे निर्भर करेगा, एक रहेगा पोटेंशियल पे, पोटेंशियल वो चीज होती है, पोटेंशियल मतलब चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ बढ़ा है, नेगेटिव की तरफ, यानी पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तो किस चीज की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा, बरोबर। दूसरा कौन सी चीज पे निर्भर कर रहा है, चार्ज, दूसरा वर्क डन चार्ज पे निर्भर कर रहा है, जितना चार्ज होगे उतना पोटेंशियल होगा और उस बेस पे यहाँ पर काम हो रहा है। क्लियर है चार्ज। हाँ बोलो चार, पक्का ना, टेक्निकल वर्ड आ रहे इसलिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज को ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, पोटेंशियल में, मैं तुमको समझा देता पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल को वोल्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब वोल्टेज भी होता है, और वोल्टेज वर्ड तुमने सुना होगा घर में बहुत यूज होता है, तो ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज, और दूसरा वर्ड में क्या यूज कर रहा हूँ, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है पोटेंशियल, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब एक्चुअली ये
बताना क्या चाहता है? तो ये एक्चुअली ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, देखो वर्ड से ही बता रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस, किसी के पावर का डिफरेंस कैसा होता है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मानो तुम्हारे घर में टाकी तो होगी, पानी की टाकी, और नीचे बाल्टी खाली है। तो तुमको पता है पानी की टाकी से पानी हमेशा नीचे की तरफ ही गिरेगा, ऐसा क्यों होता है? जाहिर बात है पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, टाकी में। अब मेरी बाल्टी क्या खाली पड़ी है, तो हमेशा चीज कैसे फ्लो होती है, भरी हुई जगह से खाली की जगह जाती है, यानी हाई जहाँ पे पानी ज्यादा रहेगा वो पानी लो की तरफ बढ़ेगा, बरोबर, हाई टू लो की तरफ, हमेशा ऐसे ही होता है ना, जैसे हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बढ़ती है, बरोबर। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो बॉटल है, एक बॉटल ये बनाता हूँ, एक बॉटल दूसरी। अब मैं एक बॉटल में ना पूरा पानी भर के डाल देता हूँ, मान लो इतना मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब मैं ना इस बॉटल में होल करूंगा और यहाँ से एक पाइप डाल दूंगा, ये पाइप क्या रहेगा, दूसरी बॉटल पे कनेक्ट होगा। अब जारी बार पानी अगर यहाँ तक भरा हुआ है, यानी इस बॉटल में पानी फुल भरा हुआ है, यानी पानी का जो क्वांटिटी है वो हाई है। अब ये इस बॉटल में पानी एकदम नहीं है, यानी यहाँ पर पानी जरा भी नहीं है, यानी यहाँ पे पानी की क्वांटिटी लो है, बरोबर। अब जैसे ही ये पाइप, यहाँ पे मैं एक नल लगा दूंगा, जैसे ही ये नल को खोलूंगा तो यहाँ का पानी कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, इस बॉटल में। कब तक जाता रहेगा इस बॉटल में पानी, हाँ चिराग, कब तक जाता रहेगा चिराग, दूसरी बॉटल में पानी, जब तक दोनों पाइप में दोनों का पानी इक्वल ना हो जाए, बरोबर, जब तक दोनों की क्वांटिटी सेम ना हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी सेम होगी तो दोनों का जो पोटेंशियल हुए बराबर हो जाएगा, तो ये ज्यादा उसको पुश नहीं करेगा पानी को, और यहाँ पर नहीं भेजेगा, बरोबर। पानी कब तक भेजेगा, जब तक इसका पोटेंशियल, इसकी ताकत, इसके पानी की ताकत, इसकी पानी का फोर्स ज्यादा होगा, तब तक पानी वहां जाएगा। जब दोनों की ताकत, दोनों का पावर एक जैसा होगा तो पानी फिर वहां पे नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिस वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ती है, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देते, मान लो ये तुम हो, चिराग हो, और मान लो ये समीर है। अब देखो क्या होता है, अब समीर तुमको झटका देगा, एकदम जोर से ताकत लगाया, तो ताकत क्या है, समीर का पोटेंशियल है, बरोबर, वो अपने पूरे पोटेंशियल से तुमको धक्का देगा। अब तुमको धक्का, तुम खड़े हो, मतलब तुम प्रिपेयर नहीं हो, तुमने अपना पोटेंशियल कैसे रखा है, लो रखा हुआ है, तुम एकदम नॉर्मल खड़े हो, जैसे धक्का दोगे तो पीछे की तरफ गिरोगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वक्त समीर का की ताकत, उसका पोटेंशियल ज्यादा था, उसने उस पोटेंशियल से तुमको धक्का देके गिरा दिया, समझ में आया? तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो दूसरे को आसानी से गिरा सकता है, बरोबर। तो हमेशा गेम भी ऐसे ही होता है ना, जो ताकतवर होता है वो हमेशा जीत जाता है फाइटिंग में, और जो कमजोर होता है वो हमेशा हारता है। तो ये भी तो पोटेंशियल पे निर्भर करता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, बताना बहुत आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो, या बॉक्सिंग का मैच, या WWE गेम देख रहे हो, तुम वहां पे भी तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि केन जीतेगा या अंडरटेकर, बहुत आसान है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा वो जीतेगा। तो अगर केन का पोटेंशियल ज्यादा है तो अंडरटेकर को हरा देगा, या रोमन रेन जीतेगा, बरूबर। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत, किसकी ताकत ज्यादा है। अभी मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब तुम्हारे मान लो एक बॉडी बिल्डर लड़का आता है और बोले गए चिराग ज्यादा छाना मत बन, मैं 10th क्लास में, देखो तो इजिली मार लूंगा, तू तो अभी 9th क्लास में, या हमारे 12th क्लास का बच्चा है, तो जारी बात है जितना हायर स्टैंडर्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो, बरोबर। अगर स्ट्रांग है मतलब उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा। तुम कमजोर रहेंगे, तुम पतले पतले भी रहोगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या रहेगा, कमजोर, बरोबर। तो तुमने देखा है हमेशा जो कब्जा या दादागिरी कौन करता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, और कौन एकदम झेल के लेता है, सह के लेता है, जिसका पोटेंशियल कम होता है। हमारे दुनिया में भी तो यही नियम चलता रहता है ना, जो अमीर होता है वो गरीब को खाते हैं, अमीर के पास पोटेंशियल ज्यादा होता है, गरीब का पोटेंशियल नहीं होता है, तो अमीर क्या करता है, गरीब को खत्म करने की कोशिश करते रहता है, बरोबर, उनको खरीदता है, बरोबर, और उनसे काम वाम करवाता है। तो हमेशा काम कौन कराएगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, और जिसके पास कम ताकत होगी वो हमेशा उसके उस पर निर्भर रहेगा, बरोबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के फर्क को बताता है कि ये अमीर है और ये गरीब है। क्यों ये अमीर है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है, ये क्यों गरीब है, इसके पास कम पैसा है। जब दोनों का पैसे को माइनस करते हैं तो किसका पैसा बढ़ेगा, अमीर का, तो वो दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके ना,
समझ में आया? तो अगर मेरे को दोनों की ताकत का डिफरेंस बताना तो मैं कैसे बताऊंगा अंडरटेकर के दोनों का, इसके मसल्स 5 है और जो अंडरटेकर के मसल मान लो 4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 1। तो उनका 1 का डिफरेंस मतलब केन का जो पोटेंशियल है वो 1 ज्यादा है और अंडरटेकर का 1 कम है बेस्ड ऑन मसल। समझ में आया? आई होप आप समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। अगर इस तरह के रिकॉर्ड तुम्हारे मान लो तुम्हारे तुमने घर में सैटेलाइट लगाया टाटा स्काई है, तो ये रिकॉर्ड तुम देख सकते हो। टीवी पे जो चैनल है वो क्लियर नहीं आएंगे, अगर चैनल क्लियर नहीं आ रहे मतलब तुम्हारे वायर में क्या है रेजिस्टिविटी आ गई। रेजिस्टिविटी बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है, ये बहुत डिस्टर्बिंग तरीके से भी काम करती है, चीज़ों के फ्लो को रोक देती है, वो सब वन बाय वन पढ़ेंगे। यूज योर ब्रेन पावर। इफ इन द सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस बाय मोटर, मान लो अगर किसी सर्किट में मैं रुकावट को रेजिस्टर को मैं अगर मोटर से रिप्लेस कर दूँ तो इन विच फॉर्म विल एनर्जी गिव बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म इन टू, तो कौन से फॉर्म की एनर्जी मुझे सेल से देनी पड़ेगी। चलो वो पढ़ते, तो पहले ये पढ़ते कि पावर क्या होता है। पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम पावर कौन से इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपन टाइम। तो जाहिर बात इलेक्ट्रिकल पावर का भी फॉर्मूला क्या रहेगा, एनर्जी अपन टाइम रिक्वायर। हम सर्किट में एनर्जी क्या होती है, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज होती है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि वो चार्ज कैसे पोटेंशियल खत्म करता है फ्रॉम ए टू पॉइंट बी तक कैसे जाता है, बरोबर, और टाइम हो गया। अब दूसरा चीज, मेरे पास चार्ज का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट करंट इन टू टाइम, एक करंट कितने पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है, मुझे करंट का फॉर्मूला चाहिए। तो इस टाइम को मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, क्यू अपन टी इज इक्वल टू आई। मैं क्या करूंगा, ये क्यू अपन टी दिख रहा है तुमको, इसकी जगह पे मैं आई ले सकता हूँ। समझ में कैसे आई लिखा, चरा तो ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, वी ए बी इन टू आई। ओके, द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम द एनर्जी पी एंड टाइम टी टू द रेजिस्टर। इफ आई इज अ करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द सर्किट द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इन टाइम टी विल बी। तो यहाँ पर जो एच है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मान लो एक पावर, एक इलेक्ट्रिकल पावर, या हम लोग एक सेल के जरिए किसी सर्किट में हम लोग करंट को पास करवा रहे हैं। अब जारी बात है ये करंट के लिए मुझे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेरा सेल है। ये सेल मुझे क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। ये पावर कैसे जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ये पावर कंटिन्यू जाते ही जा रहा है, बराबर। अब जारी बात है मान लो तुम्हारे जो सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब जारी बात है ये रेजिस्टेंस की वजह से, रुकावट की वजह से क्या होगा, जब करंट इसमें फ्लो होगा तो बहुत रुक रुक के बहेगा, टकराएगा आपस में या वायर से टकराएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी। जारी बात है जब डिस्टर्बेंस अगर होगा तो हीट जनरेट ही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं, मान लो तुमको बहुत जल्दी है जाने नहीं मिल रहा है और बहुत सारी भीड़ है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अरे यार जाने दो रास्ता दो, तो जारी बात है तुम्हारा पारा चढ़ेगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, बरोबर। तो रियल लाइफ में भी देखो डिस्टर्बेंस आता है या ट्रैफिक होता है, हम भी गर्म हो जाते हैं, बरोबर, डिस्टर्बेंस है, चीज़ें गर्म होती है। यहाँ पर रुकावट हो सकती है, तुम्हारा जो वायर वो आड़ा टेढ़ा सा घुमाओ या वायर का जाल हो जाए जो एक दूसरे चिपकाओ, तब इस तरह की ना तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है टकराने की वजह से, हीट जनरेट होती है। तो ये हीट क्यों जनरेट होगी, जब जब तुम पावर देते रहोगे टाइम बेस पर उतनी हीट जनरेट होगी। तो तुमने देखा है मोबाइल फोन को हम लोग चार्ज पे लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, कभी कभार चार्जिंग करते करते मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ये क्यों होता है, तो ये रीज़न ये होता है तुमने जो पिन लगाया है, हो सकता है तुमने सेम ब्रांड का पिन नहीं लगाया हो, कोई दूसरे ब्रांड का चार्जर को तुमने अपने चार्जर में लगा अपने मोबाइल में लगा दिया, तो इससे क्या होता है मोबाइल का जो बैटरी वो गर्म होना शुरू हो जाता है। आप समझ में आया क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये जो चार्जर है उस मोबाइल के हिसाब से फिट बैटरी नहीं रहा, उसके पिन बरोबर बैठी नहीं रहे, तो क्या हो जाता है रेजिस्टिविटी शुरू हो जाती है, रुकावट होने की वजह से हमारा मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, तो पावर कैसे फ्लो होगा, तो पावर मान लो मेरा चार्जर ए है और बैटरी बी है, तो पावर हमेशा दो पोटेंशियल डिफरेंस से बहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसके बेस पर हमारा उस पोटेंशियल में क्या बह रहा है करंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। समझ में आया, यानी ये जो फॉर्मूला बना है वो सही बना हुआ है, बरोबर। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज तुम किसी
वायर में बहाओगे उतना ही करंट बहेगा, यानी वोल्टेज डिसाइड करता है कितना करंट बहेगा, यानी वोल्टेज करंट की क्वांटिटी को बताता है, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा मात्रा में करंट उसमें तेजी से बहेगा, बरोबर। तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, बरोबर। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फ्रॉम पॉइंट ए चार्जर से पॉइंट बी बैटरी में जा रही है, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पर, आर कॉन्स्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, क्लियर है। अब जरा देखो वापस से अपने फॉर्मूले पे आओ, हमें एच का फॉर्मूला क्या है, वी ए बी इंटू आई इंटू टी। तो देखो मेरे को वी ए बी की वैल्यू मेरे पास है, क्या है, आई और आर, तो यहाँ पे आप पुटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पुटिंग किया है, जरा मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्या किया है, जरा मैं, ओके समझ में आया, चला। तो ये एच क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर ए बी इंटू टी अपॉन आर। सिमिलरली एच क्या हो गया, एच के फॉर्मूले में क्या है, अगर मैं फॉर्मूले में बदलाव करूं, मैं क्या करता हूं, अब मैं फॉर्मूले में वी की जगह पर आई इंटू आर रख देता हूं, तो अगर वी की जगह पे मैं आई इंटू आर रखता हूं तो फॉर्मूला बनेगा एच इज इक्वल टू आई, पहले से भी आई था वहां पे, आई इंटू आर और टी एज ए टी, तो आई आई बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। देखो कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं हीट ही के, अलग अलग तरीके से हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जूल्स साइंटिस्ट का नाम है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज कॉल्ड जूल्स लॉ। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर देखिए, अब यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट इनके फॉर्मूले से। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया क्या, ओके हाँ स्टार्ट किया। अब यूनिट कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, सेम पी ए फॉर्मूला हमने बनाया था, तो इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट है, ठीक है, हर एक यूनिट का नाम है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक वोल्ट, एक करंट मतलब 1 एम्पियर है। अब वोल्टेज को भी फर्दर यूनिट है, वोल्टेज का क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, और एम्पियर की यूनिट क्या है, 1 कूलम्स पर सेकेंड, ओके। तो ये 1 कूलम और ये 1 कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट है, जूल फोर्स की यूनिट है और टी टाइम की। तो फोर्स अपन टाइम क्या होता है, फोर्स अपन वर्क होता है, तो ये जो डब्ल्यू आई एक्चुअली क्या है, ये वॉट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वॉट, किस तरह से यूनिट बताया, समझ में आया, पावर टू वॉट, ओके। ना नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऊपर पढ़ते हैं। वेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम समटाइम ये भी करते हैं कि मान लो मेरे पास एक सर्किट दिया हो, उसमें हम लोग जानबूझ के भी रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं ताकि रुकावट पैदा हो, अगर रुकावट पैदा होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द करंट, दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो हमारे घर में स्टीमर लगा हुआ है, हाचरा, तो स्टीमर का काम क्या रहता है, जो बाथरूम है वो पानी को गर्म करने का काम होता है, तो उस स्टीमर में रेजिस्टर लगाया जाता है। रेजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकता है ताकि पानी गर्म हो, जाहिर बात है वायर गर्म होगा तो उस वायर पे जब पानी जाएगा तो वो पानी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से स्टीमर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है स्टीमर। तो स्टीमर बनाते कैसे, तो बोलते हैं स्टीमर के अंदर कॉइल होता है, सेलोनॉइड टाइप का भी कॉइल हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा वायर को ही ना ऐसा फोल्ड कर दिया जाता है, कॉपर वायर को ही, जब किसी वायर को ऐसा फोल्ड करते हैं तो वो जो शेप लेता है उस शेप को कॉइल बोलते हैं। तो तुमने देखा ओवन हो गया, ओवन या हीटर हो गया जिसमें कबाब ये सब तलते हैं, इसके अंदर एक बहुत सारे कॉइल होते हैं। ये कॉइल क्यों बनाते हैं, अगर कॉइल बनाओगे तो करंट फ्लो, जब करंट बहेगा तो करंट गोल गोल रानी की तरह गुजरेगा, तो उसको टाइम लगेगा इस पूरे कॉइल को घूमते घूमते बाहर निकलने में। अब ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़ाहिर बात है हीट जनरेट होगी, क्योंकि जब गोल घूमेगा तो करंट तो सीधा जाना चाहता है, पर यहाँ पे गोल सर्कुलेशन की वजह से वो बार बार टकराएगा, कोलिजन करेगा, ये टकराव से क्या होगा, हीटिंग जनरेट होगी और इस तरह से कॉइल लाल हो जाता है। तो इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिकल कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी, बोलते जो करंट होते हैं उसमें रेजिस्टिविटी बहुत होती है, रुकावट बहुत पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल इज मेड अप ऑफ अलॉय, अलॉय से क्यों बनाते हैं, तो अलॉय में नाइक्रोम होता है जिसको एज अ इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, प्योर कॉइल नहीं लूंगा, इस कॉइल के अंदर नाइक्रोम ऐड करूंगा। नाइक्रोम क्या करेगा, जब नाइक्रोम के अंदर करंट जाएगा तो बहुत डिस्टर्ब होगा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक रोड पे, एक प्लेन रोड है,
आप प्लेन रोड पे तुम अगर साइकिल चलाते हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम आएगी? चरा बहुत मस्त चलेगी ना साइकिल, स्मूथ चलेगी एकदम, मजा भी आएगा चलाने। वही जगह खड़बुड़ी रोड है तो तुम्हें जमेगा साइकिल चलाने। मालूम है रोड एकदम पत्थर पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, तो तुम चला ही नहीं पाओगे साइकिल प्रॉपरली, बरोबर? तो साइकिल चल नहीं पाएगी तो हो सकता है साइकिल का टायर पंचर हो जाए, क्या तुम गिर जाओ, तुमको जख्म हो जाए। तो यहाँ पर प्लेन रोड मतलब कर, मान लो तुम साइकिल तुम करंट हो और प्लेन रोड तुम्हारा वायर है। अगर वायर एकदम प्लेन है तो करंट कैसे फ्लो एकदम स्मूथ, पर अगर तुम वही रोड पे पत्थर डालते हो, अब तुम करंट हो तो तुम सही से ट्रैवल कर पाओगे? टकराओगे पत्थरों से, साइकिल टूटेगी। तो यहाँ पर करंट को डिस्टर्ब हो रहा है, जब करंट को डिस्टर्ब होगा तो क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होती है, समझ में आया? वायर टंगस्टन वायर, तुमने देखा बल्ब में टंगस्टन वायर यूज करते हैं? बोलते ये जो टंगस्टन वायर होता है ना, जब इसमें से करंट जाता है ना तो उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, करंट सही से फ्लो नहीं हो पाता है, तो रुकने की वजह से, टकराने की वजह से वो पूरा टंगस्टन वायर सा ग्लो होना शुरू हो जाता है। अब समझा ग्लो क्यों होता है? क्योंकि डिस्टर्ब होता है, रेजिस्टिविटी बनती है, रुकावट होने की वजह, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, इसकी वजह से पूरा वायर गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। बिकॉज ऑफ करंट दिस वायर गेट हीटेड, कितना हीट होता है देखो, 3400 डिग्री सेल्सियस, एंड एमिट लाइट। कोई चीज बहुत गर्म होती है तो लाल होती है और लाइट जनरेट करती है। हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट, और एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक वो हीट जनरेट करेगा, लाइट जनरेट करेगा। क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वाट। हमें यहाँ पे पता चल गई कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, 1 वाट, जो कि बहुत स्मॉल यूनिट है, एंड 1000 वाट और 1 किलो वाट यूनिट भी हम यूज करते हैं, यूज इज अ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पावर। पर हमारे इधर इंडिया में हॉर्स पावर यूनिट भी तुमने सुना होगा, बराबर? तो 1 किलो वाट आवर कितना होता है? 1 किलो वाट आवर्स होता है, जिसके अंदर 1000 वाट आते हैं और 3600 सेकेंड्स आते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। ये सब यूनिट का कन्वर्जन है, तो ये थोड़ा याद रखना। यहाँ पे देखो बल्ब बनाने का तरीका बता रहा है। बल्ब के अंदर एक स्क्रू कप होता है, कैप होता है, ये कैप, और बल्ब के अंदर जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट ना करे। अंदर एक ग्लास सपोर्ट भी डाला गया है, और ग्लास सपोर्ट के अंदर देखो, ये तुमको वायर दिखाई दे रहा है, पतला सा वायर होता है, ऐसा गोल गोल घुमा हुआ रहता है, ये सेलोनॉइड टाइप कॉइल होता है। ये ग्लास बल्ब है, बल्ब का ग्लास अलग तरीके का होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो कॉइल होने की वजह से करंट को बहुत टाइम लग जाता है इसमें से फ्लो होने में, और बहुत टकराता है, जिसकी वजह से ये ग्लो हो जाता है और हमें रोशनी दिखाई देती है बल्ब। समझ में आया सर? तो ये जानबूझ के वायर को इस तरह से घुमाया जाता है, ये घुमाने का वजह क्या है समझ में आया? ताकि करंट को टाइम लगे, करंट टकराए इधर उधर और उसकी वजह से हीट जनरेट हो, और हीट जनरेट होगी तो बल्ब चीज क्या होगी, ग्लो करेगी। सेवरल टाइम वी हियर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर। बहुत बार तुमने देखा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में आग लग जाती है। इफ वी स्विच ऑन अन इक्विपमेंट इन अवर हाउस द इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट। पर मान लो तुम्हारे घर में एक पॉजिटिव और दूसरा वायर, दो वायर होते हैं तुम्हें पता है ना, एक पॉजिटिव वायर एक नेगेटिव होता है। बोलते हैं अगर ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में जुड़ जाएंगे ना तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझ में आया? ये दोनों वायर आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने चाहिए गलती से भी। मान लो अगर आ गए तो क्या होगा, इनके बीच में रेजिस्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टिविटी होती है कि हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है उसके बाद आग लग जाती। लेट अस डिस्कस ब्राइटली, चलो इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं एक्चुअली होता है क्या। द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीन टाइप के वायर होते हैं। लाइव वायर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बरोबर, न्यूट्रल, और अर्थ वायर भी होता है। जैसे तुमने देखा होगा अपने पास 3 पिन के आजकल चार्जर आते, ये कनेक्टर आते, 1 2 3, तो इसके अंदर जो जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको लाइव वायर बोलते हैं। दूसरा एक न्यूट्रल होता है ऊपर, और सॉरी ऊपर वाला अर्थ से कनेक्ट रहता है, और दूसरा एक न्यूट्रल होता है। अर्थ से कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि शॉर्ट सर्किट ना, बहुत बार शॉर्ट सर्किट होता है इसलिए थर्ड पिन बनाया गया। तो जिसमें भी तुमको 3 पिन दिखाई देगा समझ जाना ये सबसे बेस्ट कनेक्टर होता है। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो लाइव और न्यूट्रल होता है, लाइव को तुम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, न्यूट्रल को तुम नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो।
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का, बराबर। द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और जो अर्थ वायर होता है ना उसको ग्राउंड जमीन से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे जमीन में गाड़ के लगा देते हैं। ड्यू टू द फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, कभी कभी हमारे पास जो इक्विपमेंट वो खराब होता है या प्लास्टिक कोटिंग का होता है, तो उसमें जो लाइव और न्यूट्रल वायर होता है ना वो आपस में जुड़ जाता है। जब टू वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो लार्ज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें जो मटेरियल होते हैं, जो वुड क्लॉथ या प्लास्टिक का मटेरियल होता है, वो क्या होता है, फायर कैच कर लेता है, मेल्ट होना शुरू होता है, फ्यूज होना, वायर फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह तो आग पकड़ लेता है। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक स्विच बनाते हैं। स्विच वायर में क्या होता है, फ्यूज वायर होता है, जैसे इस तरह का कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वायर का जो वायर है वो होता है वो मेल्ट होके कट जाता है। इस तरह के प्रिकॉशन मेजर लिए जाते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द फ्यूज वायर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, एज सून एज हाई करंट फ्लो इन द सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। अब फ्यूज वायर काम कैसे करता है, तो मान लो मेरे पास एक फ्यूज है, ऐसा रहता है, मान लो इनके बीच में एक तार गई है पतली सी, मान लो घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जरा पता लार्ज अमाउंट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर इस वायर पे जाता है तो वायर बहुत पतला होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को झेल नहीं पाता और ये वायर टूट जाता है। जैसे ही वायर ये टूटता है तो मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस तरह से हम लोग करंट को रोक सकते हैं, समझ में आया। तो आज के टाइम में तुम्हारे घर में भी एक स्विच लगा होगा, एकदम बड़ा सा स्विच, उसमें बटन रहता है, जैसे घर में शॉर्ट सर्किट होगा वो ऑटोमेटिक वो बटन बंद हो जाता है ना। अभी तो एडवांस आने लगे, ये तो ओल्ड मेथड था कि अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा है, चेक मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों ऐसा देखना है, ऑब्जर्व वेरियस डिटेल एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। इलेक्ट्रिकल बिल स्पेसिफिक द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, व्हेन 1 kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इन टर्म्स एज 1 यूनिट एनर्जी। तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना उसको चेक करो, उससे ना तुमको बहुत जानकारी मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कैसे लोग मेजर करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट भी देख ले, ये पैराग्राफ कवर कर लेते हैं, देन वी विल स्टॉप, है ना। मेनी टाइम पर्टिकुलरली इन द समर सीजन, समर बोले तो गर्मी के सीजन में क्या देखते हैं, ह्यूज इलेक्ट्रिक पावर इज यूज। अब जारी बात है गर्मी लगेगी तो लोग एसी वेसी चालू करते हैं, बहुत ज्यादा फैन यूज करते हैं ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपने को इलेक्ट्रिकल पावर यूज हो जाता है, जैसे लाइट, फैन, एयर कंडीशन। इलेक्ट्रिकल शॉप में हम लोग जाते हैं, वो शॉप वाले भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ताकि कस्टमर आए, एसी लगा दे, ठंडक महसूस हो, है ना। एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसफर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनसफिशियंट। अब जारी बात है ये करंट कहीं ट्रांसफार्मर से ही आता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो किसी करंट की ना फ्लक्चुएशन को बढ़ा सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में 230 वोल्ट ही बहता है, पर मान लो तुमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक साथ चालू किए, एसी, फैन, तो जाहिर बात है इस हमारे घर में तो 230 इनफ है, पर अगर तुम मान लो शॉप की बात करो तो वहाँ पे 10-10 एसी लगे होते हैं, 20-20 एसी फैन चालू होते हैं, तो ऐसे में 230 वोल्ट इनफ नहीं है, बराबर। वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 500 वोल्ट तक करंट यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में ना एक ट्रांसफार्मर मशीन होती है वो उनको 230 से ज़्यादा वोल्टेज दे देती है, क्योंकि उनको सफिशियंट नहीं होता। अब ज़रा पता, ज़्यादा वोल्टेज जाएगा मतलब ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा करंट जाएगा तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, तो उनका जो स्विच होता है वो फ्यू मेल्ट हो जाता है एंड सप्लाई गेट शट डाउन, सच इवेंट अकर ड्यू टू ओवरलोडिंग। जरूरी नहीं है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो, ज़्यादा करंट भी फ्लो करेंगे ना, ओवरलोडिंग भी करेंगे ना, तो भी अपना स्विच बंद हो जाएगा, समझ में आया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिवाइस दिखाई, ये मोटर है, ये सबके नाम पता होने चाहिए, स्विचेस है। दिस डे मेंटेनर सर्किट ब्रेकर, ये देखो ये मिनिएचर सर्किट, ये बहुत फेमस सर्किट है। तुम्हारे घर में भी ऐसे कुछ लगा है क्या, चिराग? मेरे घर में तो लगा है, ये बहुत अच्छा है, ये मेल्ट नहीं होता, ये खुद ही टूट जाता, ब्रेक अपने आप बटन ऊपर हो जाएगा। पहले ये सब स्विच आते थे, ये सब कॉस्टली, एक बार ब्रेक हो गए ना फिर वापस से नया खरीदो, तो इसका नाटक ही खत्म कर दिया। व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस सडनली स्विच ओपन एंड करंट स्टॉप, इसका स्विच खुद ही ओपन हो जाएगा और करंट रुक जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ MCB आर इन यूज फॉर द इंटायर हाउस, हाउएवर द यूजुअल फ्यूज वायर इज यूज, बहुत सारी जगह फ्यूज वायर भी यूज करते हैं। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में एक स्विच बोर्ड लगा है ना, उसमें फ्यूज वायर है, तो वो कैसे डायरेक्ट जल जाता है अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो
तो सबसे बेस्ट यही रहता है। तो दोनों ने कहा जब भी एसी लगी रहेगी ना तो एसी के पास यही लगा रहेगा। वजह समझ में आया? क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा लोड लेता है ना, अगर मान लो गलती से ज़्यादा लोड हो और कुछ गड़बड़ हो जाए तब ये क्या होगा, स्विच ऑन कर देगा और करंट को स्टॉप कर देगा। अच्छा है कि नहीं? बहुत मज़ेदार मज़ेदार डिवाइस बन गया है आजकल मार्केट, है ना। अभी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, वो हम लोग वी विल डिस्कस लेटर, और ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम।